हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या से लाइव डिजाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की सूट की बेसिक क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने दो क्लास कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने पहले सबसे पहले पेपर में कटिंग देखा है। कटिंग देखने के बाद स्टिचिंग की वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी थी, तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने सूट से कैसे नाप निकालते हैं पुराने सूट से, तो वो भी हमने देख लिया। आज की वीडियो में हम लोग, अगर हमें सूट बनाना हुआ किसी की बॉडी से मेजरमेंट लेके, तो कैसे बनाते हैं, कि नाप कैसे लेते हैं, फिर उसमें कितना प्लस करते हैं, कितना मार्जिन लेते हैं, सारी चीज आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे दांत को लेके बहुत सारे कमेंट्स किए कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद वीडियो बनाना, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हम आपके लिए 2-3 दिन रुक जाएंगे, आप आराम से अच्छे से ठीक हो जाओ, क्लासेस तो चलती रहेंगी। तो आप सभी तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों जितना मैं आप लोगों को ध्यान देती हूँ कि आपकी क्लासेस आए, उतना ही आप लोग भी मुझे प्यार करते हो, ध्यान देते हो कि नहीं, आपकी तबीयत पहले है उसके बाद क्लासेस है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो क्लासेस हमारी चलती रहेंगी कंटिन्यू, आप कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो दर्द जो है तो वो तो होता ही रहेगा, बाकी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ठीक हो जाऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो मैं मेजरमेंट लेने वाली हूँ, जो मैं सूट बनाऊंगी खुद के लिए बनाऊंगी, तो खुद का मेजरमेंट लूंगी। आपको ऐसे बताऊंगी कि अगर आप दूसरे का भी मेजरमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, उसके बाद उसमें कितना प्लस करना होता है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझाऊंगी। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, नाप लेने के लिए हमको इंची टेप की जरूरत पड़ेगी और हमें कॉपी पेन लेके रखना है, जिसमें कि हम अपना नाप लिखेंगे, जो भी हमारा नाप निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको लेके रखना है, कॉपी और पेन चाहिए हमें और इंची टेप चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूट बनाने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अगर आप दूसरे का लंबाई निकाल रहे हो, दूसरे के लिए सूट बनाने के लिए लेंथ निकाल रहे हो, तो आपको ऐसे पीछे से इंची टेप रखना है। लेकिन अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो पीछे से बनेगा नहीं, तो उसके लिए आपको अपने खुद से आगे से ही लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको जितनी लेंथ चाहिए इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। पूरा वीडियो पे नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको मैं समझा रही हूँ, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको जितना नीचे ले जाना है, स्ट्रेट खड़े रहिए और आप इंची टेप छोड़ते जाइए। रुको, मैं 1 मिनट कैमरे को थोड़ा पीछे करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और आपको यहाँ शोल्डर के पास से जो हमारा सूट वगैरह जो हम पहनते हैं, तो उसका जो हमारा बिल्कुल सिलाई वाला भाग है, वहीं पर से इंची टेप रखना है। इंची टेप रखने के बाद आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हैं हम सीधे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पकड़ लेंगे और ऊपर के इंची टेप आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे हम आपको मतलब बिल्कुल सही खड़े रहना है और नीचे आपको देख लेना है कि कितनी लेंथ आपको चाहिए सूट की, ठीक है। तो मुझे चाहिए, जो कुर्ते की लेंथ चाहिए 42 इंच चाहिए, तो मेरा ये 42 इंच निकल रहा है। तो मुझे तैयार जो चाहिए 42 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हमको लंबाई कितनी चाहिए, 42 चाहिए, तो यहाँ पर हम नोट करते चलेंगे। तो हमने यहाँ पर लंबाई 42 इंच लिख लिया है, ठीक है, आपको भी लिखते चलना है। अब हमारी लंबाई हो चुकी है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सीने का नाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंची टेप पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इस तरीके से आपको नाप निकालना है। यहाँ पर ये यह हमने यहाँ पर नाप निकाला, तो आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर मतलब ये वाला भाग जो शोल्डर का, पीछे से आपको इंची टेप बिल्कुल टाइट रखना है, मतलब कि लूज नहीं छोड़ना है, देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल बराबर से इंची टेप को रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। लूजिंग कितनी देनी है, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो हम नाप निकालेंगे बिल्कुल टाइट निकालेंगे, कहीं जितना मतलब इसमें लूजिंग वगैरह रहेगी आगे चल के। तो अभी ये हमारा जो सीना निकल के आ रहा है 37 इंच निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर सीना लिख लेंगे 37 इंच। इसके बाद अपर बस्ट हमको लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे दूसरे का मेजरमेंट ले रहे हो तो भी आप इसी तरीके से मेजरमेंट निकाल सकते हो और ऐसे ही नाप ले सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम अपर वस्ट का नाप लेंगे, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 36 इंच, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपर वस्ट जो होगी हमारी 36 इंच होगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं अपनी कमर, क्योंकि हमें देखो जो हमारा सूट होता है वहां पर 2-3 जगह पर नाप डालते हैं तभी हमारा सूट बिल्कुल फिटिंग भी आता है। अब हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे, तो ये कमर है हमारी 33 इंच, और हिप का भी नाप लेंगे, तो हिप कहाँ पे, जहाँ पे हमारी चौक बनती है, जो सूट होता है हमारे यहाँ पर सूट यहाँ पर चौक आती है बिल्कुल, तो यहीं से हम अपने हिप का नाप ले लेंगे, तो ये हमारी कमर हो गई 33 और हिप हो गया हमारा 38, तो हम यहाँ पर अपना कमर और हिप दोनों लिख देते हैं। कमर है हमारी 33 और हिप है हमारा 38। यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली, सीना निकाल लिया, अपर बस्ट निकाल लिया, कमर निकाल लिया, हिप निकाल लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सूट बनाने के लिए क्या क्या नाप चाहिए, तो अभी हमको यहाँ पर गला लेना है, तो आपको गला कितना तैयार चाहिए, छोटा चाहिए या डीप चाहिए, जो हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर आप कस्टमर का नाप निकाल रहे हो तो आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि आपको कितनी लेंथ गले की चाहिए, उसी हिसाब से आपको गले की लेंथ निकाल लेनी है, आगे का भी और पीछे का भी। तो मैं अपना खुद का बनाऊंगी तो वो अपने आप से सोच लूंगी कि मुझे कितना लंबा चाहिए और कितना कम चाहिए, तो मैं पीछे का सूट अभी मैं गला वगैरह देखूंगी, बाकी उसको भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या गला रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतना नाप निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको स्लीव्स की लेंथ चाहिए, तो आपको जितनी ही स्लीव्स की लेंथ रखनी है तो बस इस तरीके से इंची टेप रखना है। आपको छोटी स्लीव्स रखनी है, एल्बो स्लीव्स रखनी है, या कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स रखनी है, जो भी रखनी है इस तरीके से छोड़ते आना है। अगर आप दूसरे का ले रहे हो तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बराबर से नाप लेना है। तो मुझे रखनी है स्लीव्स की लेंथ यहाँ तक की 15 इंच की लेंथ, हमें 15 इंच चाहिए, और जहां तक की लेंथ चाहिए वहीं की हमको गोलाई नाप लेना है। तो ये गोलाई है हमारी 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 15 इंच, तो ये भी हम लिख लेते हैं। लंबाई हमारी है 15 इंच की और गोलाई है हमारी 10 इंच की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा नाप लिख लिया, नोट कर लिया, निकाल लिया। अभी हमें गला हमने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना हमने यहाँ पर देखा। अभी इसमें कितना माइनस करना है, कितना यहाँ पर, मतलब हमने तो अभी ये बिल्कुल फिट फिट निकाला है ना, इसमें अगर हम मार्जिन नहीं देंगे सूट में, ये हमारा ब्लाउज नहीं है, अगर हम सूट में बिल्कुल भी मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं लेंगे, लूजिंग नहीं देंगे, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखा हमने यहाँ पर नाप निकाल लिया, निकालने के बाद इसमें कितने लूजिंग देना है चलो वो भी हम लोग सीख लेते हैं इसी वीडियो में, तो बाकी हम लूजिंग वगैरह सारा प्लस कर लेंगे, फिर इसके बाद कटिंग कैसे करनी है वो लोग वो चीज भी देखेंगे, तो डायरेक्ट फिर हम लोग कटिंग पे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आज के इस वीडियो में समझा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो चलो आगे का वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो हमने जो नाप निकाला है, हमारी नाप पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर है हमारी लंबाई 42 इंच। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप ये ना सोचो कि ये कुछ भी दूसरा मैं लिख के रख ली हूँ। तो यहाँ पर लंबाई हमारी 42 है, सीना हमारा 37 था, अपर वस्ट हमारा था 36 और कमर थी हमारी 33 और हिप है हमारा 38। बाजू की लंबाई हमारी 15 है, गोलाई हमारी 10 है। मैंने जैसे गले को बताया कि गला मैं अपने अनुसार रखूंगी, अभी गले की डिजाइन वगैरह देखूंगी, जो भी सही लगेगा वो रखूंगी, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी कि मैं क्या रखने वाली हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया, हमने यहाँ पर नाप नाप निकाल लिया है। अब हमारा नाप तो पूरा निकल चुका है, अब हमको इसमें कितना प्लस करके कटिंग करनी है तो वो चीज़ देखते हैं। तो मार्जिन जो होगा वो तो हम कटिंग करते समय ही देखेंगे कि मार्जिन हमें कितना लेना होता है, लेकिन इसमें लूजिंग देनी होती है। लूजिंग देना हर एक उसमें ज़रूरी है जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, अगर हम सूट से मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर हमको लूजिंग देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमको यहाँ पर लूजिंग देना ज़रूरी है। तो देखो जैसे कि हमें लंबाई, लंबाई में तो कुछ नहीं करना, हमारी लंबाई जितनी है तो लंबाई हमारी 42 ही रहेगी, तो हमारी लंबाई तो पूरी 42 ही रहेगी। इसमें
हम जब कटिंग करेंगे तो मार्जिन के लिए हमको लंबाई में 1.5 इंच प्लस करके लेना होगा, तो वो तो हम कटिंग करते आपको समझाएंगे कटिंग करते समय, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको अभी ये चीज देखने चलना है कि हमको लूजिंग कितनी देनी है। तो सीना हमारा है 37 इंच का, तो 37 पूरा टोटल हमारा सीना है 37 इंच का, तो इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग देंगे। कितना? 1.5 इंच, किसी भी साइज का हो आपको लूजिंग 1.5 इंच देना है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फिटिंग पहनना है, मतलब टाइट पहनना है, कोई कोई होता है ना बिल्कुल फिटिंग पहनता है, तो आपको 1 इंच लूजिंग देना है। लेकिन मैं बिल्कुल फिटिंग, बिल्कुल टाइट वाला नहीं, मतलब हाँ नॉर्मल फिटिंग आएगी लेकिन बिल्कुल चुभा हुआ नहीं रहेगा हमारा कपड़ा, तो इसलिए आपको पूरा 1.5 इंच लूजिंग ले लेना है। तो 37 में हमने 1.5 इंच लूजिंग लिया तो कितना आएगा? 38.5 इंच। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 38.5 इंच। तो अब हमारी जो कटिंग होगी यहाँ पर 38.5 पे होगी। अब हमारा अपर बस्ट आ जाता है, तो अपर बस्ट में हम कितना प्लस करके लेंगे? सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया तो 36 है हमारा, तो अपर बस्ट कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमारा जो अपर बस्ट है ना, वो मिस्टेक से गलती हुई है। यहाँ पर हमारा अपर बस्ट 36 नहीं था, यहाँ पर हमारा 38 था, जो कि मैंने लिखने में या फिर बोलने में कंफ्यूज हुई हूँ। तो मैंने अभी फिर से मेजरमेंट लेके देखा तो यहाँ पर अपर बस्ट हमारा 38 है, तो 38 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 39 इंच आएगा। ठीक है, अब हम कमर में भी 1 इंच ही प्लस करेंगे, तो 1 इंच हमने यहाँ पर प्लस किया तो कितना आया हमारा? 34 इंच आया। ठीक है, 33 है तो 34 हो जाएगा। हिप में भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, हिप हमारा 38 है तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा लूजिंग हमारी कितनी है, लूजिंग हमने यहाँ पर अपने सीने पे 1.5 इंच प्लस करना है, जो सीने का नाप लिया। अपर बाकी सब जगह पर हमें लूजिंग 1-1 इंच की देनी है। लंबाई हमारी टोटल उतनी ही रहेगी जितनी हमें तैयार चाहिए, और बाजू की लंबाई भी हमें वैसे ही रखना है, गोलाई भी वैसे ही रखना है। तो इतनी चीज हमारी हो गई बिल्कुल क्लियर। अब हमको जो नाप डालना होगा, तो बिल्कुल इसी नाप पे हम कटिंग करेंगे। बाकी जो मार्जिन लेना होता है तो वो तो हम अलग से लेंगे, जितना हमें मार्जिन लेता है लेना होता है सभी साइज में, उतना हम मार्जिन लेंगे हर एक साइज में। ठीक है, तो वो चीज हम लोग मार्जिन कटिंग करते समय देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमें कितना लूजिंग देना होता है, तो अब हमारी प्रॉपर जो नाप निकल के आई है वो हमारी नाप ये वाली निकल के आई है। तो बस अब हम इस मेजरमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको नाप निकालना बताया है। अब इसी नाप के बिल्कुल नाप से ही मैं सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको कल की वीडियो में। तो अगर आपने अपनी जो भी नाप लिखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, उसी नाप से आपको भी कटिंग करना सीखना है। ठीक है, आपको ये मेजरमेंट नहीं लेना, आपको अपना मेजरमेंट लेना, मतलब कि जिसको भी बनाना है। अगर आप ये वाला मेजरमेंट लोगे तो मेरे नाप का बन जाएगा सूट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब बहुत ज्यादा दर्द बढ़ रहा है, तो अब मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे सूट की कटिंग इसी वाले मेजरमेंट के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।